आज भी देश के अंदर जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार देश की 85% लैंड एग्रीकल्चर लैंड, 15% पीपल है इंडिया के जिनके कंट्रोल में है, और बाकी 15% भूमि वो 85% के कंट्रोल में है। जो देश के अंदर जो संसाधनों का, लैंड का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर हो रखा है, देखो हम आते हैं शेड्यूल कास्ट से, और शेड्यूल कास्ट में हमारी जाति चमार है। हमारे लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, धोबी है, खट्टी है, धाना का कोली है, बिंध है, निषादर, राजभर है, केवट है, मल्ला, माछी, मछुआ, ये जितने भी शाक्य सैनी, कुशवा, मौर्या, पालवक, ये छोटी कास्ट के लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आप देखो तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सिर्फ ये है कि लोग अपने खेतों में काम करते हैं, खेतों में काम करने से अपने पशुपालन करते हैं, पशुपालन से अपने परिवार को चलाते हैं। ऐसे हमारे घर वालों ने भी किया है, ठीक है। उन गाँव में जो हमारे लोग हैं, जो छोटी कास्टों के लोग हैं, वो दूसरे को खेतों में काम करते हैं, जहाँ पर वे खेत वाले उनका शोषण करते हैं, प्रॉपर मजदूरी उनको नहीं देते, वेजेस नहीं देते, ठीक है, उनको प्रॉपर उनकी मेहनताना नहीं देते, जिस कारण से हमारे लोग अपने राइट का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि दबाव रहता है। महिलाओं का शोषण होते हैं, बुजुर्ग भी महिलाओं के कारण बोल नहीं पाते, क्योंकि अगर हम वोटिंग में भी जाते हैं तो वोटिंग में भी हमारे लोग दबाव में रहते हैं उनके, कि अगर ठाकुर साहब ने, जाट साहब ने, गुज्जर साहब ने जो है ये बोल दिया कि वोट वहाँ डाल, तो फिर डालनी है। तो हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर सभी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सभी के बीच में लैंड का समान रूप से 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो करे। जैसे माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख लोगों को पट्टे लोट किए, रेजिडेंस प्लॉट लोट किया गया। उस समय पहले इंदिरा गांधी ने पट्टे लोट किए थे, जिनको बाद में जो है पजेशन नहीं आ पाया, लेकिन पजेशन बाद में बहन जी ने दिलवाया है। कुल मिलाकर के जमीन बांटी गई, जो गवर्नमेंट लैंड थी वो तो गवर्नमेंट का मैटर था, जो बंजर लैंड थी। हम ये चाहते कि जो उसके अलावा प्राइवेट लैंड है, उस लैंड को भी लोगों के बीच में समान रूप से वितरित किया जाए। और जो लोग जिनके पास जमीन है, भाई वे कहते हैं कि हमारे लोगों के पास में रिजर्वेशन है, हम तो चाहते हैं हम उनको भी रिजर्वेशन बराबर देंगे ना, भाई जितनी पॉपुलेशन वे लोग हैं हम उनको उतना रिजर्वेशन दे देते हैं। उसी प्रकार जमीन भी हम लोगों के बीच में बटनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की जिस तरीके से स्थिति आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, और जिस तरह से सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर गिरा है, और देश के अंदर एक समान शिक्षा नीति की आवाजें उठ रही है लगातार, बहुत सारे संगठन इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना है आपको कि समान शिक्षा नीति होगी तो SC ST क्या मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। जब चुनाव में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, शराब, पैसे बांटे जा सकते हैं, तो सबको मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं दिया जा सकता है? जैसे अभी जो सरकार है, ये सरकार हमारे लोगों से शिक्षा छीन लेना चाहती है, शिक्षा से वंचित कर देना चाहती है, इसलिए प्राइवेटीकरण होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, ताकि हमारे लोगों को शिक्षा न मिल सके, हमारे लोग हायर एजुकेशन न जा सके। इसलिए जैसे कुछ राज्यों में सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया गया है, और जब आने वाले समय में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षा है वो महंगे हो जाएंगे, और जो अभी जो फ्री में दे रहे हैं, कल को मैं उसको फ्री में जो एजुकेशन दे रहे हैं, कल उसको बंद कर देंगे और फीस लागू कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हमारे लोग वहाँ शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो एजुकेशन है सभी को फ्री में दिया जा सकता है, सरकारें करने वाली हों। ये दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी जो अव्यवस्था, जो कच्ची कॉलोनियां थी उनको उजाड़ा गया है, तोड़ा गया है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया है, ऐसे में लाखों लोग सर्दी में बेघर हुए हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट के यहाँ पॉलिसी बनी है, VP सिंह जी और मैं, हम दोनों मिलकर के ये अभियान चला रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी को नहीं हटाया जाए। जो गरीब आदमी गांव से यहाँ रोजगार की तलाश में आए हैं और वो यहाँ रोड़े बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, सारा काम इन्हीं के कंधों पर है, ये सब कर रहे हैं, इन आदमियों को इतना इनके पास धन नहीं है कि वो लोग अपना झुग्गी झोपड़ी जो बना के रहते हैं उनको उठा करके वो कहीं अच्छे मकान में रहें या यहाँ का किराया दे करके रह सकें। इसलिए वो लोग जितने भी हैं वो सब झुग्गी झोपड़ियों में, नाले के किनारे या इधर इधर उधर अपना गुजारा बसर करके यहाँ दिल्ली को बढ़ाने का काम करें। ऐसे बड़े बड़े शहरों में सब जगह पर यही है। अब जहाँ जहाँ गरीबी है, बिहार में गरीबी है, उत्तर प्रदेश में गरीबी है, उड़ीसा में गरीबी है, ऐसे बहुत सी स्टेटें हैं जिनमें गरीबी चरम सीमा पर है, तो वहाँ से मजदूर निकल करके कोई जम्मू कश्मीर जाते हैं मजदूरी करने, कोई लोग पंजाब जाते हैं, कोई दिल्ली आते हैं, बड़े बड़े शहरों में सब लोग जाते हैं,
और वो वहीं पर रहने ठहरने का अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ बने तो वीपी सिंह जी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब चले और मैं उनके साथ होता था। सारी खबरें हमारे पास आती तो हम जा कर के वहाँ अड़ते थे और वहाँ पर हम तब तक नहीं गिरने देते थे। हमारी शर्त होती थी कि ये कोई पक्षी तो है नहीं जो पेड़ पे बैठ जाएंगे, ये लोग बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, आप इनको पहले जगह दीजिए, वहाँ जहाँ इनको भेजना है सहूलियतें दीजिए, क्योंकि सारा देश तुमने लूट लिया है, सब कुछ धन दौलत सब कुछ तुम्हारे पास है, ये लोग मेहनत करके भी नहीं रह सकते तो ये कैसे चलेगा देश। कई बार इसके ऊपर हुआ झगड़े हुए और वीपी सिंह जी इवन आपको याद हो कि या पुस्ते पर तीन तीन रात को हम लोग वहाँ सोए हैं लेकिन हमने झुग्गियाँ वहाँ से नहीं उठने दी। यहाँ पर वजीराबाद में भी इस तरह का हुआ, कई दिन वहाँ सोना पड़ा लेकिन हमने वहाँ बुलडोज़र कभी चलने नहीं दिया, जो होगा हमारे ऊपर बुलडोज़र चलेगा। तो पहले से बना करके ये ज़माना फिर ये बदला गया प्रोग्राम। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और ये इनमें वीपी सिंह जी, देवगौड़ा जी, आई के गुजराल साहब और एक हरकिशन सुरजीत जी और इस तरह से पांच छह आदमी ये लोग गए अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि ये झुग्गी झोपड़ी उजाड़ेंगे तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे, इस कोठी हम जाएंगे नहीं, आपकी कोठी के बाहर दरवाजे बैठेंगे। तीन प्रधान प्राइम मिनिस्टरों ने वहाँ पर धरना दिया और बताया। तब वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये कोई भी झुग्गी नहीं हटेगी, ये लोग मजबूरी में हैं, ये हमारी ड्यूटी है इनको पहले बसाना तब देना। लेकिन यहाँ बेईमान लोग हैं वो सारी सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देने के बाद भी फिर भी झुग्गी तोड़ते हैं। ये अपनी ये बात भूल जाते हैं कि हमने क्या वायदा किया। तो ये लोग जितने ज़्यादातर आ रहे ये ज़्यादातर इनमें सब छोटे वर्ग के समाज के लोग हैं जो दिल्ली या देश के हर कोने में ये जाते हैं और वहाँ बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इनको मान सम्मान नहीं है। उसका कारण ये है कि इनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बच्चे परिवार कहीं छोड़ आते हैं तो इनको पूरी देखभाल होती नहीं है, सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि जो लोग उजाड़े जा रहे चले आए हैं छोड़ के तो उनके बच्चों को कहीं पढ़ाने का कोई सिस्टम हो, कोई रेजिडेंशियल स्कूल हो वहाँ पर ये लोग पढ़े। पैसा अलॉट होता है, विदेशों से धन मंगाया जाता है, कर्ज उठाया जाता है ये कह के कि हम गरीबों के ये योजनाएँ शुरू करेंगे, लेकिन कोई योजना शुरू नहीं होती और पैसा आ जाता है। आज 155 लाख रुपया एक विदेशी कर्ज हमारे देश के ऊपर हो गया। ये अभी लिया इसी गवर्नमेंट ने 10 साल में लिया है और गरीबों के उत्थान करने के नाम पे लिया है। कौन से गरीब का कौन सी योजना चली है, कहाँ गया पैसा कुछ पता नहीं चलता है। तो इस देश में बेईमान और भ्रष्ट आदमी भरे पड़े हैं। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचना, कहते हम लोग ये विकसित देश बनाएंगे। अरे विकसित ऐसे देश में बढ़ेगा 80 करोड़ आदमियों को तो अनाज में सारे हैं, यदि उनका वो अनाज आज रुक जाए तो इसमें 80 करोड़ हुए और ऑलरेडी पहले से जो भूखे मर रहे हैं वो लोगों के लिए दो टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल है। आज ये कहते हैं बेईमान गवर्नमेंट है, आंकड़े गलत देती है, कह रहे 25 करोड़ आदमी हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए। लोगों को 25 करोड़ तो आदमी ऐसे हैं आज की तारीख में जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा और ये कहते हमने 25 करोड़ निकाल दिए। तो ये गवर्नमेंट धोखे में रख करके लोगों को चला रही है और उनका वोट लूट करके चाहते हैं। इन्होंने दो इस गवर्नमेंट ने दो वो बना लिए हैं, एक दो वर्ग बना दिए, एक अमीर वर्ग रहेगा एक बिल्कुल गरीब रहेगा। तो अब लोगों को ये तय करना है कि हम लोगों जिनको ये तय किया है कि इनको गरीब ही रखना है, अब हम गरीब ही रहना चाहते हैं या हम लोग संपन्न वर्ग के साथ मिल के चलना चाहते हैं। अभी अखिलेश की सरकार से लेकर के योगी सरकार में भी उत्तर प्रदेश की 17 कास्टें हैं जिसमें बिंध है, निषाद है, केवट है, मल्ला, माछी, मछुआ है, कश्यप है, कहार है। ये जो लोग 17 कास्ट है जिनकी पॉपुलेशन 14% है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको शेड्यूल कास्ट में डालने का प्रस्ताव सरकार ने डाला था अखिलेश सरकार ने, उसके बाद रोक दिया गया, फिर योगी सरकार ने डाला, हाई कोर्ट ने जाकर उस पर रोक लगा दी गई है। वे कह रहे हैं कि हम आपको शेड्यूल कास्ट में डालेंगे, ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो फुलफिल तो होता नहीं, ठीक है, ऑलरेडी उसमें तो हमारे तो सफिशिएंट वो है नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं
क्योंकि पिछड़ी जाति की जनसंख्या देश के अनुसार मंडल कमीशन के अनुसार 52% है, 52% जनसंख्या है, जिसमें से 27% रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है। अब उसमें समस्या यह आती है कि पिछड़ी जाति के अंदर दो तरह की जातियाँ हैं, एक अगड़ी जाति है, एक पिछड़ी जाति आती है। पिछड़ी जाति है जो अगड़ी जातियों में जो जाट गुजर यादव आते हैं, जो लैंडलॉर्ड आदमी है, जो संसाधन संपन्न लोग हैं, उनके पास में अच्छे संसाधन होने के कारण वे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी कोचिंग कराते हैं, अच्छे स्कूल पढ़ाते हैं, जिस कारण से जो 27% रिजर्वेशन है उसको वे कैप्चर कर लेते हैं। जो अति पिछड़ा समाज बचता है, शैनी है, कुमार है, बिंद है, निषाद है, राजभर है, केवट है, मल्ला माछी मछुआ जो है, ये जो लोग हैं इनके पास संसाधन नहीं है, इनकी भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारे लोगों की समान है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की तरह। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को जो 14% पॉपुलेशन में ये लोग हैं और इसमें अगर 5 कास्टें मिला दी जाए, साके, शैनी, कुशवा, मौर्य, पाल, बघेल, ये भी हमारे विचार के लोग हैं, बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, तो इनकी पॉपुलेशन बन जाती है 20-22%। हम ये चाहते हैं कि जो ये लोग, ये जो कास्ट 20 कास्ट होती हैं, तो इन 20 कास्टों के लोगों को 10 इनका 20% रिजर्वेशन को सेपरेट दिया जाए। देखो पहले क्या था, पहले ये था कि सीलिंग लगा दी गई थी 50% से रिजर्वेशन ऊपर नहीं होगा, लेकिन अब मोदी सरकार ने अपने लोगों को जनरल वाले जो जनसंख्या में 15% लोग हैं, 15% लोग हैं, उन्होंने EWS के नाम पर 10% कोटा दे दिया। अब सीलिंग जो थी 50% की वह क्रॉस हो गई, 60% रिजर्वेशन टोटल हो गया, अब 40% जनरल बचा रिजर्वेशन। अब हम ये चाहते हैं जब वहाँ पर सीलिंग टूट चुकी है, तो जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हैं, तो जो इस देश का जो अति पिछड़ा समुदाय है, जो जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, क्या उसके लिए मोदी जी उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते? देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो भविष्य में जब भी बहुजनों की सरकार आएगी, तो बहुजनों की सरकार उनको 20% रिजर्वेशन देने का काम करेगी। ये मांग हमारी हमेशा रहेगी और हमने इसकी शुरुआत आज 22 जनवरी 2024 से शुरू कर दी है। जो हमारे मुद्दे बाबूजी बता रहे हैं, हम बता रहे हैं मुद्दे, उन मुद्दों की हमने आज से शुरुआत कर दी है और हम इन मुद्दों पर कंटिन्यूअसली काम करेंगे, ताकि जो अति पिछड़ा समुदाय है उसको वैरायटी मिल सके। क्या हुआ देश के अंदर, अब तक सिनेरियो बनाया गया है जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, उसके अंदर हमारा जो वाल्मीकि भाई है, खट्टी का, धोबी है, धाना का, कोली है, पासी है, उसके मेंटेलिटी ये बना दी गई है मनुवादी के द्वारा, हिंदूवादी लोगों के द्वारा, कि आपका रिजर्वेशन सारा शेड्यूल कास्ट में चमार डाटा उठा गया। और जो अति पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको ये बता दिया गया कि अंबेडकर आपको कुछ नहीं देगा संविधान में, सारा का सारा इन्हें शेड्यूल कास्ट के लोगों को चमार को दे गया, जबकि उनके लिए भी संविधान के अंदर 340 आर्टिकल दे रखा है, जिसमें सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है कि वो अति पिछड़ी जाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक का एनालिसिस करें, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में जो भी उनके लोग फैसिलिटी दे सकते हैं वो दे सकती है। ये बाबा साहब का दिया संविधान में आर्टिकल है, लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती कि अति पिछड़े समुदाय अगर बढ़ गया, क्योंकि आज की डेट में जो बीजेपी की ताकत है वो ऐसी नहीं है, शेड्यूल कास्ट का बंदा कोई बीजेपी को वोट नहीं देता, शेड्यूल ट्राइब का बंदा कोई बीजेपी वोट नहीं देता, जो आज की डेट में जो उनकी ताकत है वो है अति पिछड़ा और पिछड़ा, क्योंकि वो समझदार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, समझदार नहीं है। वे चाहते कि अगर ये समुदाय बढ़ गया, आगे अति पिछड़ी जाति के लोग, उनके राइट मिल गए, अधिकार मिल गए, उनको आरक्षण मिल गया, उनके लोग पढ़ने लगेंगे, नौकरी में जाने लगेंगे, तो वे भी हमारे SC के लोगों की तरह समझदार हो जाएंगे, तो वे भी फाइटिंग करने लगेंगे, तो फिर इनके बहकावे में जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, हिंदू धर्म का मुद्दा है, इन मुद्दों में फंस करके वो वोट नहीं देंगे और फिर ये लोग सत्ता में कभी नहीं आएंगे, फिर यहाँ पर बहुजनों का ही राज होगा। सर, खटीको की शिकायत रहती है कि भारत के अंदर 14 राज्य हैं जहाँ पर उन्हें SC का दर्जा दिया गया, लेकिन 14 राज्य उसमें उन्हें OBC में डाला गया। देखो ये सबका क्या है कि इन लोगों की भी चाल है, ये लोग इकट्ठे ना हो सके, इनमें आपस में डिस्टर्बेंस रहे, जबकि खटीक जो है, खटीको का जो व्यवसाय है वो शेड्यूल कास्ट का व्यवसाय है, जो लोग जो मीट वगैरह काटने वगैरह, बकरे वगैरह काटने काम करते थे, वो शेड्यूल कास्ट के लोग, लेकिन इन लोगों ने चाल खेल करके, जैसे मोदी जी है, मोदी जी वहाँ से जो मोदी जी की कास्ट है वहाँ जनरल माती थी, इन्होंने गुजरात में OBC में डलवा दी, हम अब पिछड़े बन गए। तो इन लोगों ने, क्योंकि आज तक जिन भी पर जो भी स्टेट है उन स्टेटों पर सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक इन हिंदूवादी लोगों की सरकार रही है, प्रकाश के लोगों की सरकार रही है, उन्होंने नहीं चाहे कि निचले के लोग जो है जातिगत तरीके से इकट्ठे हो सके, उनको कहीं जनरल में, कहीं OBC में डाल दिया, कोई ना SC में करते, कभी ST में डाल दिया, ऐसे तोड़ मरोड़ कर काम खिलाव किया। तो हमारे जो सांसद है वो जो SC समुदाय से चुनकर जाते हैं उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? देखिए कि क्या है कि देखो पहले क्या था देश के अंदर, जब तक दल बदल कानून लागू नहीं था तब सांसद जो है इधर उधर शिफ्ट कर जाते थे, लेकिन उन्होंने दल बदल कानून का लागू करने के बाद में इन्होंने शिफ्ट कर दिया कि जो सांसद MLA जिस पार्टी से जीत कर जाएगा वो उसी की बात करेगा। अब जो लोग वहां पर जीते हुए जीत कर गए हैं, हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों के, वो अपनी पार्टी के गुलाम है, जैसी गाइडलाइन उनको पार्टी की तरफ से मिलती है उसको फॉलो करते हैं, वो समाज के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे लेकिन समाज का कोई काम नहीं कर रहे हो।